और उस तरफ आ चुकी है अमृत भारत और इस तरफ खड़ी है वंदे भारत। इसमें ना आपको पूरे के पूरे जनरल कोच मिलेंगे कम से कम 20 से भी, और इस ट्रेन के भी साफ सफाई तक नहीं हुई देख लो ये। और यहाँ पर देसी जुगाड़ भी हो चुका है बैग वगैरह। ये मुरादाबाद जो है एक डिवीजन भी है और लखनऊ स्टेशन से आप प्रयागराज की ओर जा, सामने ट्रेन का सिग्नल भी हो गया और देख लो किस तरीके से यहाँ पे भगदड़ मच। कितना खूबसूरत लग रहा है ना वाराणसी जंक्शन। स्वागत है आपका बचपन से ट्रैवल में। दोपहर के बजने वाले हैं 12:30 और अभी इस वक्त मैं हूं आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन के बाहर। आज हम यहां से सफर करने वाले वाराणसी, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शहर। उम्मीद करता हूं ये सफर आप पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। चलते हैं प्लेटफॉर्म की ओर। अंदर जाने के लिए भीड़ देखो कितनी ज्यादा है, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और उस तरफ आ चुकी है अमृत भारत और इस तरफ खड़ी है वंदे भारत। और इस अमृत भारत के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ये आ रही दरभंगा से आनंद विहार टर्मिनल और अब ये वापस जाएगी दरभंगा वाया अयोध्या धाम जंक्शन। यहाँ से इकलौती एकमात्र वंदे भारत चलती है जो जाएगी देहरादून और यहाँ से कोई ट्रेन स्किप कर रही है। और ये है दुरंतो जो आ रही है सियालदा से और जाएगी बीकानेर। और आ चुका हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और हमारी ट्रेन जो है लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। ट्रेन की बात करूँ तो जन साधारण एक्सप्रेस ट्रेन होने वाली जो डेली रन करती आनंद विहार टर्मिनल से दानापुर पटना के। बट आप तो जानते हैं हमारा जो सफर है वो वाराणसी जंक्शन होने वाला है और 1:30 बजे यहाँ से चलेगी और रात को 3 बजे के अराउंड ये हमें पहुंचाएगी वाराणसी जंक्शन। और इसमें एक बात आपको बताऊं बड़ा ही खास, ये आम आदमी की ट्रेन है। जैसे बड़े बड़े लोगों का ट्रेन होता है ना वंदे भारत राजधानी, वैसे ये आम आदमी की ट्रेन है। मतलब कि इसमें ना आपको पूरे के पूरे जनरल कोच मिलेंगे कम से कम 20 से भी ज्यादा जनरल कोच। मैं भी इस ट्रेन से पहली बार सफर कर रहा हूं और ये ट्रेन जो है 1 से 2 घंटा पहले ही लग जाती, इसलिए भीड़ भाड़ तो हो गई है ट्रेन। चलते हैं फिलहाल ट्रेन के अंदर। तो कुछ ऐसा इंटीरियर है जन साधारण का भी, इसमें लाइट भी ऑन नहीं किया है क्योंकि अभी चली भी नहीं है और भीड़ भाड़ देख लो अभी से ही हो गई है। और इस ट्रेन के भी साफ सफाई तक नहीं हुई देख लो ये कितना ज्यादा गंदा है। और कुछ लोग तो गुटखा बीड़ी खा खा के इसको गंदा कर देते हैं। और यहाँ पर देसी जुगाड़ भी हो चुका है, बैग वगैरह बंद गए हैं सबके। कहाँ तक आप ट्रेवल करोगे अंकल? दानापुर। अभी दोस्तों ट्रेन से बाहर आ गया हूँ और चलने में ना अभी 1/2 घंटे हैं और क्या बताऊँ जर्नल है पूरा का पूरा। इस वजह से ना कुछ लोग तो गुटखा पान बीड़ी वहीं खा खा के थूक रखे, आपने वास बेसन देखा। बाकी ट्रेन भी काफी गंदी है क्योंकि आई और जस्ट लोग जो है चढ़ गए, साफ सफाई तक नहीं होने दी है। क्या कर सकते हैं, मतलब सिंगल बंदों के लिए ठीक है लेकिन जो फैमिली लेकर ट्रेवल कर रहे हैं जनरल कोच में उनको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर ही रहना पड़ेगा। और दोस्तों उस ओर से विक्रमशिला चल रही है जो जानी मानी ट्रेन है भागलपुर के लिए और ये वाली ट्रेन डेली रन करती है। ट्रेन अपनी 1:38 पे चल दी है आनंद विहार टर्मिनल से। बाकी रूट की बात करूं आपसे तो यहां से चल के मुरादाबाद लखनऊ उसके बाद अमेठी फिर वाराणसी जंक्शन पहुंचाएगी 3 बजे के अराउंड। और वो वाली आप लाइन देख रहे हो वो नई दिल्ली से आ रही है। पर यहाँ पर इस ट्रेन में एक चीज़ तो अच्छा देखो ये बना रखा है पकड़ने के लिए, अगर कोई यहाँ पे खड़ा होता तो आराम से पकड़ सकता है। भाई अंडा बिरयानी वेज बिरयानी खाना।
ट्रेन में आपको रेल नीर भी मिल जाए। ट्रेन जो है हमारी धीरे धीरे गाजियाबाद को स्किप कर रही है। बाकी मैंने देखा इस ट्रेन में ना पेंट्री कार नहीं है बट साइड पेंट्री है, यानी कि खाने पीने की आपको दिक्कत जरा से भी नहीं होने वाली। 20 रुपए में पूरी सब्जी मिल रही है, साथ पूरी और सब्जी, साथ में मिर्चा गर्मा गर्म, बाकी और भी कुछ चीजें मिल रही है। अगर आप स्टेशन पे थोड़ा सा जल्दी आएंगे ना, सीट आपको आराम से मिलेगी, क्योंकि पूरी की पूरी ट्रेन यहीं से बन के चलती है और पूरा खाली रहता है। मैं थोड़ा सा लेट हो गया और प्लस मुझे सीट भी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर मैं सीट पे बैठ जाऊंगा तो बार बार मुझे उतरना पड़ेगा वीडियो शूट करने के लिए और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होगा। और भीड़ होती है ट्रेन में तो आप तो जानते हैं चढ़ने में और उतरने में कितना ज्यादा दिक्कत होता है। बाकी जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाऊंगा, जहाँ जगह मिले वहीं खड़े हो जाऊंगा, क्योंकि जनरल कोच है सारा का सारा, तो कहीं भी बैठो कहीं भी खड़े रहो। किलोमीटर की दूरी तय करके ट्रेन का पहला स्टेशन आया मुरादाबाद जंक्शन। बाकी यहाँ पे ना ट्रेन का 10 मिनट का अच्छा खासा हॉल्ट दिया गया है और यहाँ पे खाने पीने की काफी कुछ चीजें मिल रही है। और 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आई है और ये मुरादाबाद जो है एक डिवीजन भी है, बाकी ये ना एक बड़ा जंक्शन भी है। यहाँ पे आपको 5 प्लेटफॉर्म मिलेगा। बाकी जंक्शन की बात करूँ तो यहाँ से आप लखनऊ, कानपुर, दिल्ली की ओर से तो हम आ ही रहे, इसके अलावा मेरठ भी जा सकते हैं, मतलब इतना बड़ा ये जंक्शन पॉइंट है। फल फ्रूट्स तो यहाँ मिल ही रहे हैं, सामने आप देख ही रहे हो। इस और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे जननायक एक्सप्रेस आई और ये जननायक जो आ रही है ये आ रही है दरभंगा से और जाएगी अमृतसर। पूरा का पूरा मैंने देखा जनरल कोच है, बाकी इस और तो अपनी जन साधारण खड़ी है। ट्रेन अपनी चल दी है मुरादाबाद जंक्शन से, बाकी यहाँ तक 3 घंटे का टाइम ली 150 किलोमीटर की दूरी तय करने। और मुरादाबाद के बाद देखो भीड़ कितनी ज्यादा हो गई है पैसेंजर की। ट्रेन के बारे में एक चीज और जाना, ट्रेन बहुत ज्यादा रुक रही है और बहुत ज्यादा स्लो चल रही है। ये ट्रेन जो है हर एक ट्रेन को क्रॉसिंग दे रही है, कोई भी ट्रेन आ रही है इसको ओवरटेक करके चली जा रही है, जहाँ पे इसका स्टॉपेज भी नहीं वहाँ भी रुक जा रही है।
अभी आपने जो क्लिप देखी, मतलब कुछ लोग क्या है गेट पर सो जाते हैं, जो कि देखा जाए तो जान का खतरा है। मतलब अगर ट्रेन ज्यादा कुछ भी तेज रफ्तार में चले तो वो गिरने का डर। मैं बस यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि मतलब ध्यान से यात्रा करनी चाहिए। और दोस्तों देख लो बरेली सिटी, ट्रेन को यहाँ पे रोका गया है और सामने है बरेली सिटी। थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे। वैसे मैं तो सफर कर रहा हूँ वाराणसी जंक्शन, बट बनारस में एक बनारस रेलवे स्टेशन भी है जहाँ पे काफी जानी मानी और सुपर फास्ट ट्रेनों का स्टॉपेज दिया गया है, जैसे शिवगंगा, काशी विश्वनाथ। वाराणसी जंक्शन की बात करो तो वहाँ पे वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, इसके अलावा और भी काफी ट्रेनें हैं। पहुंच चुके हैं लखनऊ चारबाग नवाबों के शहर और यहाँ भी ट्रेन का अच्छा खासा होल्ट दिया गया है। 10 मिनट यहाँ पे ट्रेन रुकने वाली है और ट्रेन हमारी 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई। बाकी लखनऊ खास क्यों है, लखनऊ नवाबों की शहरी कहलाती। इसके अलावा यहाँ पर आप आते हैं तो जा सकते हैं घूमने के लिए बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, रूमी दरवाजा और भी बहुत कुछ है यहाँ पर घूमने के लिए। और लखनऊ स्टेशन से आप प्रयागराज की ओर जा सकते हैं, कानपुर, दिल्ली, वाराणसी, इसके अलावा गोरखपुर, बहुत सारी लाइनें आके मिली है और बहुत सारी ट्रेनों का यहाँ पे होल्ट दिया है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन। यहाँ पर आपको खाने पीने की ना काफी कुछ चीजें मिल जाएगी, सामने फ्रूट्स भी है, इस और भी स्टॉल वगैरह हैं। वैसे दोस्तों यहाँ तक हमने ना 9 घंटे का सफर कंप्लीट कर लिया, बस मात्र 4 से 5 घंटे का सफर और रह गया और अब ट्रेन में जाऊंगा और थोड़ा बहुत रेस्ट करूंगा, सीधा आपसे मिलूंगा वाराणसी जंक्शन। को भीड़ देखो दुकानों पे कितनी ज्यादा है, पैसेंजर के खाने पीने वाली दुकानों पे। और यहाँ पे सामने ट्रेन का सिग्नल भी हो गया और देख लो किस तरीके से यहाँ पे भगदड़ मच गई है पैसेंजर की, क्योंकि जो है ना ज्यादातर पैसेंजर जो है नीचे उतर गए थे कुछ खाने पीने। चलते हैं हम भी अब ट्रेन के अंदर। तो फाइनली दोस्तों खुशी तो आप देख ही रहे होंगे क्योंकि हम पहुंच चुके हैं वाराणसी जंक्शन। टोटल सफर की बात करूं तो 785 किलोमीटर का हमने सफर तय किया और 13.5 घंटे लग गए। ट्रेन जो है 20 से 25 मिनट लेट है, वैसे तो 1 घंटा लेट थी लेकिन धीरे धीरे कवर कर ली। बाकी चलते हैं बाहर और आपको बाहर से स्टेशन दिखाते हैं वाराणसी जंक्शन। वैसे इस स्टेशन का भी रीडेवलपमेंट हो रहा है और ट्रेन का यहाँ पे 10 मिनट का अच्छा खासा होल्ट दिया गया है। बाकी ट्रेन आई है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन थोड़ी देर में यहाँ से चल देगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के रास्ते बक्सर, आरा, उसके बाद सुबह 7 बजे पहुंचाएगी दानापुर। और यहाँ पर 3:30 बजे के आसपास भी देखो यहाँ पे स्टॉल ओपन मिलेंगे, अच्छी खासी भीड़ है मतलब वाराणसी जंक्शन पे। और ये जन साधारण का सिग्नल हो गया, चल दिए अब ये दानापुर के लिए। बाहर से देखो दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है ना वाराणसी जंक्शन और कितना बड़ा बनाया गया है। और इस स्टेशन का रीडेवलपमेंट तो हो ही रहा है, यानी आने वाले टाइम में ये स्टेशन काफी बड़ा, काफी सुंदर और काफी अच्छा बनाया जाएगा। बाकी यही था दोस्तों आनंद विहार टर्मिनल से वाराणसी जंक्शन तक का सफर। आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छी लगी हो ना
तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो एक नए सफर में, तब तक के लिए अपना रखें ध्यान, हर हर महादेव, क्योंकि अभी हम हैं महादेव की नगरी काशी में। और दोस्तों इससे पहले हम थे भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में। आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो भी जरूर देखिए। बाकी हम बहुत ही जल्द होंगे प्रभु श्री रामचंद्र नगरी अयोध्या में।